लड़कों का मैच होने वाला है। ऐसा क्यों सोचते हैं कि लड़के ग्लैमर नहीं लेके आ सकते? ये बड़ी गलत बात है। मतलब लड़के भी तो ग्लैमर लेके आ सकते हैं। हम वो आप देखो ना, कितने अच्छे अच्छे एक्टर हैं, गुड लुकिंग हैं, सिक्स पैक एब हैं। तो किसी को ग्राउंड में गर्मी लगेगी तो टी शर्ट उतारेगा, दूसरी टी शर्ट पहनेगा। तो लड़के भी ग्लैमर लेके आते हैं। और मेन पर्पस ACB का है कि क्रिकेट एक्टर्स क्रिकेट बैच और सीज़न बॉल से खेलेंगे हम लोग। प्रॉपर क्रिकेट खेलेंगे, 15-15 ओवर का ये टूर्नामेंट रहेगा। और इसमें TV इंडस्ट्री के जितने भी एक्टर्स हैं वो सब लोग खेल रहे हैं। हम आपस में पहले भी खेलते रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसा होगा कि हम लोग आपस में कम्पीट करेंगे। हम लोग आपस में पहले बॉक्सी बॉयज से खेलते रहे, एक साथ खेलते रहे, नॉन एक्टर्स के अगेंस्ट हम लोग खेलते रहे। लेकिन आपस में खेलना और एक दूसरे के अगेंस्ट खेलने में थोड़ा फ़र्क होता है। अभी से आज प्रेस लॉन्च था, जर्सी लॉन्च थी, अभी स्लेजिंग शुरू हो गई है। सब लोग एक दूसरे की टीम्स को देखने लगे हैं, मापने लगे हैं कि उसके पास ज़्यादा लोग हैं, इसके पास कम लोग हैं। तो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फन। और एक और अच्छी बात है कि आप जब जब ग्राउंड में रहते हो उतना देर आप लोग मोबाइल से दूर रहते हो और स्ट्रेस से दूर रहते हैं। तो इन अ वे इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और मुझे लगता है कि सबको रोज़ कम से कम आधा घंटा ग्राउंड में बिताना चाहिए, चाहे वो रनिंग में हो, चाहे क्रिकेट में हो, फुटबॉल में हो, किसी भी चीज़ में, ताकि आप लोग फिट रह सकें और यंग रह सकें। अच्छा, कई सारी टीमें, आपको क्या लगता है कि कौन है जो आप लोगों को टफ कंपटीशन देने वाला है? टीमें हैं, मैंने आपको बताया सिर्फ 4 ही टीम्स हैं। और देखा जाए तो हमारी टीवी इंडस्ट्री में कम से कम 100 ऐसे एक्टर हैं जो बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। और जैसे कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जय बोल रहा था कि हम में से जितने भी लोग हैं इनका पहला टारगेट लाइफ में है क्रिकेटर बनना था, बाद में एक्टर बने। तो सब लोग अच्छा खेलते हैं। शरद की टीम है, अच्छी टीम है मुंबई, और वाही की चेन्नई है, और सलील भाई हैं, सलील अंकोला, इंडिया खेल चुके हैं वो। उनके अगेंस्ट खेलना अपने आप में मुझे लगता है कि टफ रहेगा। सो हम लोग, मुझे लगता है कि सारी टीमें ही अच्छी हैं। बस ऑन द डे जो टीम अच्छा खेल जाएगी वो जीत जाएगी। काफ़ी सोच समझ कर काफ़ी बैलेंस टीम बनाई है। तो सारी टीमें अच्छी हैं क्योंकि हम तो एक दूसरे की गेम जानते हैं हम लोग, तो इसलिए हम लोग को उतना डर नहीं है। लेकिन है भी, क्योंकि हमको पता है कि कौन तोड़ने वाला है, कौन निकालने वाला है। सो आई थिंक इट्स गोना बी गुड फन। अच्छा, जैसे हमने BCL देखा, BCL में जब लोग क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट कम खेलते हैं, एक दूसरे को बुली ज़्यादा करते हैं, तो यहाँ पे भी कुछ वैसा होने वाला है? और अगर कुछ ऐसा हुआ तो उस चीज़ को आप कैसे हैंडल करो? आई डोंट थिंक सो ऐसा होने वाला है। वो एक अलग फॉर्मेट है, दैट इज़ काइंड ऑफ अ रियलिटी शो। और ये एक क्रिकेट टूर्नामेंट है, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। रियलिटी शो का कॉन्टेंट रियलिटी पर ज़्यादा डिपेंड करता है। इसमें शायद ऐसा नहीं होगा कि ड्यूरिंग द वाटर ब्रेक रियलिटी टीम ग्राउंड के अंदर आ जाएगी और बाइट्स लेने शुरू कर देगी। इट्स प्रॉपर क्रिकेट, इट्स इंटरनेशनल पैटर्न जो है क्रिकेट का, ये वो पैटर्न है। यहाँ पे वी हैव टू एंटरटेन द ऑडियंस थ्रू द क्रिकेट, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। सो अगर आपस में कभी कोई झगड़ा हो भी जाता है तो सारे दोस्त हैं, एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, वो हीट ऑफ द मोमेंट होता है। तो डिपेंड करेगा, जिसका ज़्यादा बाइसेप बड़ा है उससे नहीं लड़ेंगे और जो हमारे जैसा रहेगा उससे झगड़ा थोड़ा बहुत कर भी लेंगे। क्योंकि ग्राउंड के अंदर क्या होता है, जब हर आदमी जीतने के लिए खेलता है तो स्पिरिट थोड़ी कंपेटिटिव हो जाती है, ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई हो जाता है आदमी का। तो छोटी मोटी नोकझोंक तो होती रहेगी, बट आई डोंट थिंक सो कि कुछ हम लोग लड़ने वाले हैं आपस में, बिकॉज वी बीन प्लेइंग क्रिकेट टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट लाइक, कुछ लोग तो 15-15 साल से एक साथ खेल रहे हैं, मैं पिछले 3 साल से इन सबके साथ खेल रहा हूँ। तो उतना कुछ झगड़े वाला सीन होना तो नहीं चाहिए, बाकी यू नेवर नो ग्राउंड में क्या हो जाता है। अच्छा बलराज, आप एक्टर के साथ साथ आप बहुत अच्छे कॉमेडियन भी हैं, तो क्या फील्ड में हमें कुछ ऐसे फन एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। मैंने जैसे ही मुझे मेल आया था कि ACB खेलना, तो मैंने पहले बोला था कि मुझे भी बोलने से नहीं रोकेगा और साथ में बोला था कि यार मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम लोग दोस्त हैं तो एक दूसरे से मजाक करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। हमारी स्लेजिंग भी वैसी वाली स्लेजिंग नहीं होगी जैसी इंडिया ऑस्ट्रेलिया की होती है, इंडिया पाकिस्तान की होती है। हमारी स्लेजिंग पर्सनल लेवल की स्लेजिंग होगी, एक दूसरे को तंग करेंगे। जैसे हम लोग नेट्स करते हैं तो नेट्स में दिल्ली की टीम के बहुत कम लोग आते हैं, तो हम उनको ढाका स्पेशल का नाम दिया हमने उनको, वो छोटे छोटे हैं सारे। तो ऐसे हम अभी से स्लेजिंग शुरू हो गया और अभी से फन शुरू हो गया। तो आई थिंक जब भी हमारे 26 को मैचेस शुरू होंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, और जो टीम जीतेगी उसको तो डेफिनेटली मज़ा आएगा, और हारने वाले को स्लेजिंग लगेगी, जीतने वाले को लगेगा यार मैंने तो मजाक किया था तुम्हारे साथ। तो डिपेंड करता है उस दिन जीतता कौन है, बट डेफिनेटली आपका एंटरटेनमेंट, मैं चुप नहीं रह सकता, मेरी मजबूरी है। मैं जहाँ पर मेरे दोस्त होते हैं तो मेरे को लगता है कि यार आपस में अगर हंसी मजाक नहीं करेंगे तो फिर किसके साथ करेंगे। जो
बलराज, जैसे कि आपने कहा कि आपको बोलने से कोई रोक नहीं सकता, आप चुप नहीं हो सकते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है बातें करना, लोगों के बारे में बोलना, तो कभी कुछ वैसा हुआ है कि आपने कुछ बोला है और आपके ही फैंस ने, फ्रेंड ने आपको बोला कि भाई ये क्यों बोल रहे हो, ऐसा कुछ हुआ है कभी? हाल फिलहाल तो नहीं हुआ है, और क्योंकि दोस्तों में तो कुछ भी चलता है, दोस्तों में तो कोई लिमिट नहीं होती, दोस्त का मतलब यही होता है ना। तो बाकी पॉलिटिकल बोलने से मैं हमेशा भागता हूँ, क्योंकि आजकल माहौल वैसा बन गया कि आप कुछ भी पॉलिटिकल बोल दो तो एकदम से वो जैसे ज़ोंबी सो रहे होते हैं ना, तो जैसे ही आवाज़ आती है उठ जाते हैं फटाफट, उनको पता नहीं होता बस कहाँ से आवाज़ आई है, उधर उनको अटैक करना होता है, क्या आवाज़ आई है, अच्छी है बुरी है, किसी को कोई लेना देना नहीं है, बस आवाज़ आई है उस तरह भाग जाते हैं लोग, किसी ने कुछ बोला है चलो इसको पकड़ते हैं। तो ऐसा तो मैं कुछ बोलने से डरता हूँ पॉलिटिकल, और दोस्तों में तो कभी, खैर टचवुड अच्छे दोस्त हैं और शक्ल से नहीं लगता, लेकिन थोड़ा दिमाग अंदर मेरा काम करता है, तो इसमें वही बातें बोलता हूँ जो किसी को बुरी ना लगे, और पॉलिटिकल मैं बोलता नहीं हूँ, आई थिंक बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा, तो इसलिए वो मैं बोलता नहीं हूँ, बट अभी तक ऐसा एक्सपीरियंस नहीं आई हो, आगे भी ना आए। फाइनली लहरे के व्यूवर्स को क्या कहना चाहो? कीप वॉचिंग लहरे, आई थिंक डिजिटल पे दे आर प्रोवाइडिंग वन ऑफ द यूनिक एंड मोस्ट एंटरटेनिंग कॉन्टेंट, एंड बहुत रिलायबल नाम है, और आप सब्सक्राइब करें, और जितने भी डिजिटल पे काम करने वाले लोग हैं इनसे कांटेक्ट करें, ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, कंटेंट बनाने वाले लोग इनसे कांटेक्ट कीजिए, और ऑल द वेरी बेस्ट।